आ गए हैं, थक गए हैं बाइक से, मौसम भी खराब हो गया, जे मौसम बढ़िया हो गया। इंतजार कर रहे हैं भाई बिटिया आते हुए। बहुत देर से वेट कर रही, 2-3 बार सुबह से फोन भी आ गया, मम्मी का कहाँ गई, मम्मी आ रहे रास्ते में ही है। तो 3 बज गए तो दुर्गा हमें मिल गई हैं, हम लोग जा रहे हैं मोना के घर पे। क्यों मिलेंगे पहली बार मोना सब? हाँ, शादी के बाद से हम अब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे तो फेस से ही आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जा रही हूँ अपने घर मैनपुरी, अपने भाइयों के राखी बांधने। मेरी भाभी वेट कर रही हैं, मेरा फ़ोन आ चुके हैं, मम्मी का भी आ चुका है, भाभी का भी आ चुका है कि कितने बजे आ रही हूँ, कितने बजे आ रही हूँ। और 12:30 बज चुके हैं, अभी मैं घर से नहीं निकली हूँ, ये गए हैं थोड़े काम से, आ रहे होंगे फिर हम निकलते हैं। मैं तैयार हूँ बिल्कुल, मैंने आज येल्लो कलर का सूट पहन रखा है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। बैग वैग सब पैक है, बर्फ़ी उधर रूम में बैठी हुई है, बर्फ़ी को भी मैंने तैयार कर दिया है, बर्फ़ी को न्यू फ्रॉक पहनाई है आज, और 2 चोटी बांधनी है बर्फ़ी के। बर्फ़ी पाउडर ज़्यादा लगा लिया तुमने, रखा था यहाँ पे, इसे अगर पाउडर मिल जाए तो जी तुरंत पाउडर लगाती हैं तुरंत। तो मैं जा रही हूँ, श्रेयस जा रहा है, बर्फ़ी जा रहे हैं और बर्फ़ी के पापा जा रहे हैं, दीदी नहीं जा रही हैं, दीदी जाएंगी आगरा कल रक्षाबंधन पे। ये मेरा रखा है बैग, इसमें मैंने कपड़े रख लिए हैं, अपना मेकअप रख लिया है, तो बस इनके आने का इंतज़ार है, ये आ जाएं सो ही हम निकलते हैं मैनपुरी के लिए। तो आपको दिखाएंगे, इंजॉय करेंगे, दीदी भी आ रही हैं, हम निकल गए हैं मैनपुरी के लिए। ये पढ़वा रहे हैं गैस, ये खड़ा श्रेयस, हम जा रहे हैं बाइक से, और ये हमारा अलाव चौराया पुल हाईवे। तो अब जा रहे हैं मैनपुरी, अब मिलते हैं हम आपको मैनपुरी में। बर्फी बैठी आ गए, बर्फी हम आ गए हैं घर पे, यहाँ सब लोग सो रहे हैं। गई नहीं तुम भाभी? हमने कहा मेरी ननद रानी आ रही है, उसको मिलने के बाद जाएंगे। भाई इधर लेटिंग है, इधर सो रही थी। 3 बज गए हैं, हम लोग 3 बजे आ पाए हैं। कौन आया? भैया बैठे हैं। और कौन आया? इधर शोक बैठे हैं, शोक। नमस्ते जी, भाभी की मम्मी है। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गए ना। तो बर्फी आ गई है अपने नानी के पास, नानी को प्यार कर लेना बर्फी, छोड़ दो। तो मम्मी बैठी है, क्या कर रही हैं, क्या काट रही हैं? सब्जी काटने जा रही है। तो इतनी जल्दी क्या तैयारी करा ली सब्जी की? और इधर बैठी हैं बर्फी, बर्फी इधर देखो, नानी के पास आ गई हो, नानी के पास। तो भैया कहाँ है, लड्डू भैया नीचे जे हमारा कमरा, यहाँ हम रहते थे पहले, यहाँ पे हमारी फोटो लगी हुई है, देखो हमारी फोटो लगी है यहाँ पे। ये छोटा सा बच्चा श्रेयस है, इनकी भी लगी है फोटो। इधर खड़े हमारे पापा, चाय बना रहे हैं हम लोगों के लिए, चाय बना रहे, चाय। अच्छा समोसा ले आए मम्मी? हाँ ले आए, हमने किया नहीं थे समोसा ले, भूख लगी। आ गए हैं, थक गए हैं बाइक से, मौसम भी खराब हो गया, जे मौसम बढ़िया हो गया। इंतजार कर रहे हैं भाई बिटिया आते हुए। बहुत देर से वेट कर रही, 2-3 बार सुबह से फोन भी आ गया, मम्मी का कहाँ गई, मम्मी आ रहे रास्ते में ही है। तो 3 बज गए, ये होता है माँ का प्यार। गाइस हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी जो हम पे नहीं हुआ कंट्रोल, और श्रेयस ने हमारे आते ही आते समोसे सारे खत्म कर दिए, अभी भी ये लड़का बंद नहीं है। और इधर हमारे जिया जी बैठे हैं, अंशु जिया जी, इनको बुला लिया हमने, और दीदी को लाए नहीं अभी तक, ये इन्हें समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी इतना छोड़ा है खाली, और ये नाश्ता रखा है, चाय अभी चल रही है, मम्मी इधर बैठी हैं, ये पी चुके हैं चाय। तो दुर्गा हमें मिल गई हैं, हम लोग जा रहे हैं मोना के घर पे। क्यों मिलेंगे पहली बार मोना सब? हाँ, शादी के बाद से हम अब पहली बार, तुम भी आ गए। तो हम पहली बार अब मोना से मिलेंगे, शादी के बाद से मोना हमें मिलेगी, देखते हैं कैसी हो गई मोना। इनके पास, इनके घर के पास ही रहती है मोना, एक ही गली में रहती हैं, आगे पीछे गली में, जैसे हम यहाँ ससुराल में, जो इनका दहली ससुराल है नागलोई में, ये लोग आगे पीछे रहते हैं, जैसे हम और यहाँ मायके में भी आगे पीछे रहते हैं। हम जा रहे हैं मोना की मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, देख भी आएंगे और उससे मिलाएंगे मोना से। तो भाई हम मोना से मिल गए हैं, जो हमारी फ्रेंड है, हम शादी के बाद सब इनसे मिल रहे हैं पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है मिल के। पहले जो बहुत पतली थी, अब जो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, गुब्बारा हो गई है, इसमें हवा भरी है, बस हवा के सिवा कुछ नहीं है इसके अंदर।
तो गाइस समोसे आ गए हैं, चाय अभी लेके आ रही है मोना, और ये रखी सोन पापड़ी। और आज मेरी डाइटिंग बहुत अजीब, मतलब बहुत बुरी तरीके से टूट रही है। इधर जो हमारी दुर्गा बैठी हैं, जे डाइटिंग जे भी करती हैं, जे भी समोसा डाल रही हैं। आज बहुत हैवी हो गया गाइस, आज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा। घर पे दो समोसे खा गया है, अब कोई रखेगा तो खाना तो पड़ेगा ही, अब शाम को खाना भी खाएंगे, इसीलिए हम दिन में दाल चावल खाया है इतने। हाँ क्या कह रहे, हमारे घर पर कोई अवित्ता भी नहीं है यार कि कोई बोलो बोलो चाय पत्ती कम डाली थी तो मैंने चाय पत्ती बढ़ाई है और बहुत देर होगी चाय नहीं ला पा रहा। मुझे क्या रहे, हेलो फ्रेंड, चाय दे दे। नाश्ता लग रहा है यहाँ, अरे चाय बना रही है खड़ी मोटी। और समोसे अंदर है, समोसे हम पे खबे नहीं है, ये रख के समोसे भाई, सिर्फ एक समोसा खाया है सबने। तो गाय जब हम नाश्ता कर लें फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसे बहुत तेज भूख लगी है, बेचारी रो रही है और अपन बिना पूछे नाश्ते देखो अंदर ही अंदर खा रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं मोना से मिलने हैं, बहुत दिनों बाद मिले थे। हम मोना से ये बोल रहे हैं अब मेरे सिरसागंज जाना, आप देखो आए कि ना आए, आए मान आए करते हैं, बोलती रही है जे करती रहती है जे। तो हमारे सुरेश का पता नहीं है सुरेश कहाँ है, हम लोग जा रहे हैं घर पे क्योंकि हमारे कोमल के घर अगर ये तैयार हो जाएगी तो हम भी पक्का आएंगे। आ जाएगी तो जय भाई बड़ी दीदी हैं सोनम दीदी, और जो भैया बैठे हैं, जो अंकल जी खड़े हैं, अंकल जी इधर देखियो, जो मोहिनी के पापा हैं, और जो लल्ला है वो छुपाने लगी मो। सो हेलो फ्रेंड्स, दीदी आ गई हैं चांदनी दीदी, और इधर बैठे हैं ताई जी, और हमारे जिया जी भी आ गए हैं नागदा से, ताऊ जी उधर बैठे हैं, जिया जी मॉर्निंग में आ गए थे, और ये रितु आई है मेहंदी लगवाने मुझसे, इसको पता लग गया था बुआ आ गई है तो मेहंदी लगवाने आई है, और ये इंतजार में बैठी है चेरी, इसका नाम अनाया बैठी है इंतजार में, इतनी दूर से तुम मेहंदी लगवाने आई हो हमसे, इनकी भाभी की मेहंदी लग चुकी है। तो हम आ गए हैं सोनू के घर पे, और सोनू हो रहा है तैयार अभी, और तुम तो हमसे कह रहे थे हम तैयार हो गए, अंकल जी खड़े हैं जी, अंकल जी बर्फी को खिला रहे हैं, नाना से नमस्ते कर लो बर्फी कर ली, और जिया जी देखो लेटे आराम से, हमें ले आए मिठाई वगैरह राखी आखी सोनू के बांधेंगे। सोनू खा रहा है खाना, हम लोग खा चुके हैं, अभी ये लोग आए हैं लौट के, और सब्जी बनी है मटर पनीर की सब्जी, भिंडी रोटियां सेकी हैं, मन नहीं था पूड़ी का गर्मी में, इच्छा नहीं होती है, रोटी खप जाती है पूड़ी नहीं खपती। जिया जी कुल्ला कर रहे हैं, हम सेकने जा रहे हैं खाना, अप्पा खा रहे थे जी अप्पा। और इधर हमारी टीना बैठी है, टीना का आज फास्ट था तो वो आलू खा रही है, फ्राई आलू। जो चाची बैठी हैं, हाँ तो भाई चुन्नी कहाँ हैं, इनकी चुन्नी की बहुत दास्तां हो रही थी, चुन्नी नहीं जी अंगोछा डाली थी, तो हमने जे कहा तुमने चार चार चुन्नी ली इतनी सुंदर सुंदर, और चुन्नी ने कहे हमें अंगोछा मजा आता, अंगोछा बहुत अच्छा, पसीना पच जाता है। अरे तो अगर कॉटन की चुन्नी से पसीना ना पचाते नहीं तो उसमें मजा तो जितना भी होती है, जे 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 ओढ़ती है चाचा का गमछा, इसमें ज्यादा मजा आता है। चेरी क्या खा रही हो तुम, और जल्दी खा लो फिर सुरेश के राखी बांध दो। और टीना का व्रत था, खाना खा रही है टीना, वो पानी पी रही पीछे बैठे। तो चांदनी दीदी कर रही है सोनू भैया की राखी, खिला रही है रसमलाई, भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना, खाना चो। इधर खड़ी है बर्फी अपनी मम्मा के साथ, ये यहाँ आके मुझे भूल जाती हैं, मम्मी कर रही है बर्तन इकट्ठे, चांदनी की बन गई है राखी, और इधर ये खा रहे हैं खाना, और ये अब तो यहाँ पे चल रही है लड़ाई। सुरेश कह रहा है मैं गुड्डे वाली राखी नहीं बनवाऊंगा, और वो कह रहा था ले आई पांच मोती वाली राखी।
मौज मौज ना हम अच्छी लेके आए भाई के अब्बू के पाल हम लेके आए गुड्डा वाली अब्बू कह रहे ना हमें बदमाई ना हमका बच्चा है बताओ जे ले आएगा तो वो सही कह रहा ना टीना यहाँ पे चल रही है राखी चार में दीदी ने टेढ़ा टीका लगा दिया आनंद लगी और बहुत शौक है बंद गई राखी चेरी बांध रही है राखी चेरी बांधो अरे बांधी तो भाई चांदनी मौसी और कोमल मौसी जा रही है राखी बांधने नीचे तो भाई चलते हैं तो डाल लो चुन्नी हम कल मानेंगे बेटा ये बांध रहे हैं ठीक है बांधो जल्दी तैयारी माँ भी वगैरह निकाल लेंगे सामान राशि जी बैठी है और ये आ गई मौसी राखी बांधने और यहाँ पे बैठे सब लोग ये माई हैं और ये है आयुष भाई अपना और ये नाया नैन्सी दीदी और ये बेटू और नानी भाई मौसी जा रही राखी बांधने राखी हो रही है ठीक है और राखी बांध रही है मौसी मामा के कौन और ये ना बैठी लिपस्टिक विस्ट लगा के अपना सब लोग बैठे हैं राखी बांध रही है और बन चुकी है और दोबारा एक और रात में राखी और ये सबके बांध रहे हैं राखी अब हुआ बांध रही है सबके सबकी राखी बहुत अच्छी है वही राखी बन चुकी है दोनों तीनों लोगों के हाँ अभी मिठाई रह गई है और रसमलाई खिला रही है मौसी दोनों लोगों को और ये आ चुके हमारे पहलवान चलो भाई हो चुके हैं ये पांच मैच हो रहे हैं मामा वगैरह।